नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग ग्नोस्टिक। आज करेंगे पार्ट 76। तो चलते हैं अपने पहले वर्ड पे। पहला वर्ड है वैक्यूस। वैक्यूस को वैक्यूम से रिलेट कर लो, खाली है जो, ठीक है, उसमें एयर भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिमाग से रिलेट बोला है कि दिमाग खाली है, ठीक है। तो खोखला है जो, फुलिश, हैविंग और लैकिंग अ लैक ऑफ थॉट है, इंटेलिजेंस और माइंडलेस, दिमाग ही नहीं है। तो एम्प्टी, ब्लैंक, हॉलो, वेकेंट, सेंसलेस, अन इंटेलिजेंट, फुलिश, ब्रेनलेस, वैपिड, शैलो, इनेन, डेड पैन। वैग्रेंट का मतलब होता है भटकता हुआ, घूमने फिरने का शौकीन, ठीक है, उसे कहते हैं वैग्रेंट। अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और अ रेगुलर वर्क हु वैंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो एक तो दो है कि सचमुच में घर नहीं है, दूसरा है कि अपनी मर्जी से उसे घूमना फिरना पसंद है। तो कॉन्टेक्स्ट इम्पोर्टेंट है। वैंडरर, ड्रिफ्टर, नोमैड, ट्रैम्प, होबो, ट्रांजिएंट, होमलेस पर्सन, इटिनरेंट, वैगाबाउंड, रोवर, वेफरर, अनसेटल्ड, ठीक है। और कुछ लोग ट्रेड के तौर पे भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। वैनिटी का मतलब होता है अहंकार, एक्सेसिव प्राइड इन, एडमिरेशन ऑफ वंस ओन अपीयरेंस और अचीवमेंट। तो जो उन्होंने पास्ट में करा है उस पर अहंकार, ठीक है, और अपनी कैपेबिलिटी पे अहंकार। तो बल्कि क्या होता है, जैसे जैसे विजडम आती है ना, नॉलेज आती है, बंदा मैच्योर होता है, तो उतना ही वो हम्बल होता जाता है, ईगो उतना ही कम होता जाता है उस पर, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे पेड़, फलदायक पेड़ हरदम झुके हुए रहते हैं और जिस पे फल नहीं लगते वो तना हुआ रहता है। तो आप ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो कंसीट, नार्सिसिज्म, सेल्फ लव, ईगोटिज्म, सेल्फ एडमिरेशन, सेल्फ रिगार्ड, प्राइड, सेल्फ इम्पोर्टेंस, वेन ग्लोरी, एरोगेंस। तो सिमिलर वर्ड हमने पहले भी देख रखे हैं, ठीक है। विहीमेंट का मतलब होता है विद ग्रेट फोर्स, जोरदार है जो, शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है। तो पैशनेट, इंटेंस, फोर्सफुल, फर्वेंट, आर्डेंट, फेरी, फियर्स, विगरस, पावरफुल, जीलस, स्ट्रॉन्ग, स्पिरिटेड। वर्सटाइल मतलब होता है जो ऑलराउंड हो, ठीक है, बहुमुखी, ठीक है, एबल टू अडेप्ट और बी अडेप्टेड टू मैनी डिफरेंट फंक्शन और एक्टिविटीज, जिसे हम कहते हैं इम्प्रोवाइज करना, ठीक है। प्लानिंग तो हर कोई कर लेता है, ठीक है, हर कोई तो मतलब नहीं कर पाता है, बट जो प्लानिंग ज़्यादातर लोग कर पाते हैं अगर उन्हें करना है तो, ठीक है। बट प्लानिंग कभी कभी 100% जाती नहीं है। सपोज़ आपने सोचा हम इधर ए प्लेस से बी प्लेस जाएंगे और हम ये करेंगे, बट जैसा प्लान करा वैसा होता नहीं है अक्सर, तो हमें इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है। तो वो क्या होता है, वो जो वर्सटाइल है, जो स्किल्ड है, वो ही इम्प्रोवाइज कर पाता है। तो अडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल, ठीक है, ऑलराउंड, मल्टी फैसेटेड, मल्टी साइडेड, रिसोर्सफुल, जिसे कहते हैं जुगाड़, स्किल्ड, टैलेंटेड, चेंजेबल, ऑल पर्पस, मल्टी टैलेंटेड, क्लेवर। जो रिसोर्सफुल है ना, ये भी एक माइंडसेट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। विक्सेशियस, इसका मतलब होता है चिढ़ाने वाला, कॉजिंग और टेंडिंग टू कॉज अनोयंस, फ्रस्ट्रेशन और वरी, अनोइंग, इरिटेटिंग, बॉदरसम, ट्रबलसम, एग्जास्परेटिंग, इर्कसम, मैडनिंग, इन्फ्यूरिएटिंग, प्रोवोकिंग, एजिटेटिंग, वैक्सिंग और फ्रस्ट्रेटिंग, ठीक है। वीशियस का मतलब होता है दुष्ट, ठीक है, डेलिब्रेटली क्रूल और वायलेंट। तो क्रूअल है, जानबूझ के सताने की कोशिश कर रही दूसरों को, ठीक है। तो ऐसा ब्रूटल, सैवेज, फिरोशियस, रूथलेस, बाबैरिक, क्रूल, मेलिशियस, मेलेवोलेंट, विकेड, ईवल, निफेरियस और हीनियस। वर्चुअस का मतलब होता है हैविंग अ वेरी हाई मॉरल स्टैंडर्ड। तो धर्मनिष्ठावान, जैसे हिंदुओं में है श्री राम, ठीक है, तभी रामायण को सिया राम ने बोला, उनको बोला है रामचरित्र मानस।
तो जो लॉर्ड राम है उनका चरित्र का वर्णन किया गया है, ठीक है, हैविंग और शोइंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड, राइचियस, गुड मॉरल, एथिकल, अपराइट, नोबल, ऑनरेबल, प्रिंसिपल, ऑनेस्ट, प्योर, चेस्टे, रिस्पेक्टेबल। वीरुलेंट का मतलब होता है विषैला, लाइक अ वेनम, ठीक है, एक्सट्रीमली सीवियर, हार्मफुल इन इट्स अफेक्ट, जो कि खतरनाक हो, बिटरली होस्टाइल, तो पॉइजनस, टॉक्सिक, डेडली, लीथल, विच कैन कॉज डेथ, उसे कहते हैं लीथल, हार्मफुल, डेंजरस, वेनमस, मैलिग्नेंट, इन्फेक्शियस, एग्रेसिव, होस्टाइल, ठीक है। विजनरी उसे कहते हैं जो दूर का सो सके, ठीक है, तो उसे ड्रीमी भी कह सकते हो, ठीक है, उसे प्लानर भी कह सकते हो, फोरकास्ट कर सके, ठीक है, तो कल्पनाशील, थिंकिंग अबाउट और प्लानिंग इन द फ्यूचर विद इमेजिनेशन और विजडम, तो इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, इन्वेंटिव, इनोवेटिव, फॉरवर्ड थिंकिंग, प्रोग्रेसिव, आइडियलिस्टिक, यूटोपिया, ड्रीमी, प्रोफेटिक, इंसाइटफुल, ठीक है। वॉसीफेरस, लाउड और नॉइजी, कंपेलिंग अटेंशन, शोर, मगन, शोरगुल, क्लैमरस, लाउड, नॉइजी, बॉस्टरस, अप्रोरियस, रैकस, स्ट्राइडेंट, वॉसीफेरेंट, ऑब्स्ट्रीपेरस, टुमुल्टस, ब्लेटेंट और राउडी। वलप्चुअस का मतलब होता है रिलेटिंग टू प्लेजर, जो प्लेजर सीख करे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व रहे, ठीक है, माया जिसे कहते हैं, तो भोग लुप्त है जो, एपिक्यूरिन, इंडलजेंट, हेडोनिस्टिक, लग्जूरियंट या लग्जूरियस, ऑपुलेंट, डेकेडेंट, लैविश, एक्स्ट्रावेगेंट, अलोरिंग और प्लेजरेबल। तो हेडोनिस्टिक का मैंने देख रखा जो प्लेजर सीकर हो। वेंडेलिक का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, वेंडलिज्म जिसे कहते हैं, ठीक है, नाशावादी, जो नाश कर दे, जैसे कभी भी रायट वगैरह होते हैं तो क्या होता है, कुछ लोग होते हैं हुलिगन्स, वो क्या करते हैं उस चीज़ का फ़ायदा उठा के शॉप्स को लूटने लग जाते हैं, तो वो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाता है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। तो इन्वॉल्विंग और कैरेक्टराइज्ड बाय डेलिबरेट डिस्ट्रक्शन और डैमेज पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रक्टिव, डैमेजिंग, रूइनस, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, इसको इग्नोर करो, उसे कर लो, बारबेरियस, ठीक है, होलीगनिस्टिक, डेवास्टेटिंग, डिस पॉइलिंग, रेवेजिंग, डिफेसिंग, डिफाइलिंग, वेंडलिस्टिक, ठीक है। वैंक्विश का मतलब होता है परास्त करना, डिफीट थॉरोली, तो कॉन्कर किसी को जीत लेना या उसको हरा देना, ठीक है, आपने कोई बैटल लड़ी है उसे आप जीत गए हो, या आपने अपने अपोनेंट को हरा दिया, तो दोनों ही सेंस में, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एक ही है, तो कॉन्कर, डिफीट, ओवरकम, ओवरकम आप अपनी वीकनेस से भी कर सकते हो, ठीक है, आपने अपने जो शॉर्टकमिंग्स थे, बैड हैबिट्स थी, उनको आपने ओवरकम कर लिया, तो सबड्यू, क्रश, ओवर पावर, राउट, ट्राउंस, सबजुगेट, ओवरथ्रो, ओवरवेलम और क्वाश। एक सेइंग है कि हम दूसरे के मैटर में हरदम जज होते हैं, दूसरे के मैटर में या दूसरों के लिए हम हरदम जज होते हैं, और वही चीज़ कमी, सपोज कमी की एग्जांपल बोले, और वही कमी हम पे, तो हम क्या हो जाते हैं उसके एडवोकेट, हम उसकी वकालत करते हैं, उसे डिफेंड करते हैं, और दूसरों की में सेम कोई खामी है उसको हम जज करते हैं, तो ये सोचने वाली बात है, ठीक है, तो इसको सोचो, अब आगे चलते हैं। वेरिडिकल का मतलब होता है ट्रुथफुल, ठीक है, सत्यांशी, सत्य, एक्चुअल, एरोकेट, एक्यूरेट, ये एक्यूरेट है, ठीक है, जेन्युइन, ऑथेंटिक, रियल, वैलिड, रिलायबल, ऑनेस्ट, फैक्चुअल, एग्जैक्ट, प्रिसाइज और करेक्ट। विंसिबल का मतलब होता है हराने योग्य, ठीक है, या जीतने योग्य, तो कैसे भी देख लो उसको, केपेबल ऑफ बीइंग ओवरकम और डिफीटेड, तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं, कॉन्कर करना, बीट करना किसी को, डिफीट, सरमाउंटेबल, तो कॉन्करेबल, सब डूएबल, वैंक्विश, ओ पावर, डिफिसिबल, वल्नरेबल, वीक।
विलीफिकेशन मतलब होता है बदनामी करना, डिफेम करना किसी को, ठीक है। एक्ट ऑफ स्पीकिंग इल, किसी के बारे में बुरा बोलना, और डिफेम करना, किसी को नीचा दिखाना। तो डेफमेशन, स्लैंडर, लीबेल, कलमनी, तो करेक्टर असैसिनेशन होता है, डिफाइलमेंट, स्मियर कैंपेन, डिनाइग्रेशन, डेरोगेशन, ट्रेड्यूसमेंट, एस्पर्जन, मेलिगन, ठीक। इसका एग्जांपल दे तो जैसे इलेक्शन कैंपेन में क्या होता है, इलेक्शन कैंपेन लोग रैली वगैरह करते हैं तो क्या करते हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी को नीचा दिखाती है और वाइस वर्सा, ठीक है, दूसरी पार्टी भी उन्हें नीचा दिखाती है। तो ऐसे ये सॉफ्ट टोन में कर लो, बट बदनामी मतलब किसी का मतलब ये अगर किस कोई इनोसेंट हो उसकी बदनामी हो तो सुसाइड कर लेता है, ठीक है। तो इतना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है, तो इसका एक्सट्रीम वर्जन ये है। आगे चलते हैं, वीज़ा भी मतलब होता है इन रिलेशन टू फेस विद संबंधित, ठीक है, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, इन रिगार्डेड टू, इन विद रिस्पेक्ट टू, इन रिलेशन टू, अपोजिट, फेसिंग, अक्रॉस फ्रॉम, कन्फ्रंटिंग। विविडली मतलब क्लियरली, ठीक है, समथिंग विच इज़ क्लियर इमेज इन द माइंड, कोई थॉट होता है क्लियर, ठीक है, हमें ये करना है तो उसका प्लानिंग ब्लूप्रिंट पूरा क्लियर होता है। तो किसी भी सेंस में ले लो, विविडली मतलब जीवंत रूप से जो हमारे दिमाग में है, इन अ वे दैट प्रोड्यूस पावरफुल फीलिंग और स्ट्रॉन्ग क्लियर इमेज इन द माइंड, कन्विक्शन जैसे कहते हैं ना। तो क्लियरली, डिस्टिंक्टिवली, ब्राइटली, शार्पली, इंटेंसिवली, लाइवली, ब्रिलियंट, स्ट्राइकिंग, जो स्ट्राइक कर दे एकदम से, ग्राफिकली, स्ट्राइकिंग के ऊपर एक केस स्टडी वो आपसे शेयर करता हूँ अभी, एक्सप्लिसिट और स्ट्रांगली। तो स्ट्राइकिंग से याद आया, जो चूहे होते हैं ना, रैट होते हैं, वो अपना रास्ता कभी भूलते नहीं है, एक बार जहाँ से गुजर जाए, ठीक है। सिमिलरली एलिफेंट के उसमें भी बोलते हैं कि एलिफेंट जहाँ जहाँ से जाते हैं ना, जिस कॉरिडोर से वो जाते हैं, जिसे एलिफेंट कॉरिडोर कहते हैं, तो जब उनका बच्चा कोई पैदा होता है ना, तो वो मैप उसके बच्चे में ऑलरेडी डाउनलोडेड होता है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग वो फैक्ट्स थे। आगे चलते हैं, विविफिक का मतलब होता है गिविंग लाइफ, जैसे आपने हैरी पॉटर में देखा होगा, तो कहते हैं ना राइज लाइक अ फीनिक्स, तो डंबलडोर के पास बर्ड होती है, वो जब उसकी एज हो जाती है, ठीक है, तो मरने के टाइम पे उसके एशेज में से फिर एक बच्चा निकलता है, ठीक है, तो तभी कहते हैं राइज इज लाइक अ फीनिक्स, तो बाउंस बैक जिसे कहते हैं, ठीक है, आप इस सेंस में भी ले सकते हो। तो गिविंग लाइफ और रिवाइविंग, लाइफ गिविंग, एनिमेटिंग, इन विगोरेटिंग, इन लिविंग, वाइटलाइज, एनर्जाइजिंग, क्विकनिंग, इंस्पायरिंग। तो आप किसी दूसरे को भी इंस्पायर कर सकते हो, किसी दूसरे को भी बचाकर उसका भी जीवंत उज्जवल कर सकते हो, तो उस सेंस में भी यही है, अपने आप को भी और दूसरों को भी, ठीक है। रिजुवनेटिंग, विविफाइंग, लाइफ ब्रिंगिंग और रिवाइटलाइजिंग। तो ये थे आज के 20 वर्ड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।